हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि कुमार भारद्वाज एंड दिस इज़ पार्ट 29 ऑफ फॉक्स प्रो ट्यूटोरियल सीरीज़। सो गाइस, हम इस ट्यूटोरियल में ये देखेंगे कि क्या होता है वेरिएबल्स और क्यों यूज़ करते हैं वेरिएबल्स का यूज़ हम फॉक्स प्रो में। सो गाइस, मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में इसके बारे में बताया था, वेरिएबल्स का यूज़ हम मेमोरी में किसी भी प्रकार की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए करते हैं। जैसे अगर हम किसी भी प्रकार के टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग करने हैं या किसी भी वेरिएबल को कुछ वैल्यू देना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें कोई वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। देन वेरिएबल क्रिएट करने के बाद उसमें हम किसी भी प्रकार के वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। वो वैल्यू न्यूमेरिकल हो सकता है, कैरेक्टर वाला हो सकता है, फ्लोटिंग वैल्यू हो सकता है, डेट हो सकता है, मंथ हो सकता है, टाइम हो सकता है, किसी भी प्रकार का वैल्यू हो सकता है। तो वेरिएबल्स का यूज हम वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए करते हैं, ताकि हम उन वैल्यूज़ का यूज़ करके प्रोग्राम में किसी भी प्रकार के टास्क को परफॉर्म कर सकें। सो गाइस, वेरिएबल को अगर हमें फॉक्स प्रो में क्रिएट करना होगा, तो इसके लिए फॉक्स प्रो हमें दो प्रकार के कमांड्स और ऑपरेटर्स प्रोवाइड कराता है, जिसकी सहायता से हम फॉक्स प्रो में वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट, फॉक्स प्रो हमें एक स्टोर कमांड प्रोवाइड कराता है। इस कमांड की सहायता से हम फॉक्स प्रो में किसी भी वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं, और एक इक्वल टू ऑपरेटर प्रोवाइड कराता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसकी सहायता से भी हम प्रोग्राम में किसी भी प्रकार के वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, हम आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम स्टोर कमांड का यूज़ करके कैसे वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली ये देखेंगे कि स्टोर कमांड के द्वारा क्रिएट किए गए वेरिएबल्स में कैसे वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं और उसके वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। इसी प्रकार हम उसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये देखेंगे कि हम कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू का यूज़ करके कैसे वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ पास कर सकते हैं और उसके वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। सो गाइस, होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।